Hey guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. मैं हूँ अंशराज एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, 14.2 को डिस्कस किया था जिसमें आपके ये दो SLO हैं, यू कैन रीड हियर, इन्हें कंप्लीट किया था. ओके, सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो जिसमें हमने डिफरेंशिएट किया था पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, साथ ही साथ सर्किट्स बनाए थे, तो आप जाएं डिस्क्रिप्शन में जहाँ से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस ऑफ फिजिक्स थ्रू फिजिक्स प्लेलिस्ट एंड कंप्यूटर के प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी. सो इफ़ यू आर कंप्यूटर स्टूडेंट, सो आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 14.3 जिसमें कहता है ओम्स लॉ. सो ओम्स लॉ को स्टडी हम करेंगे. ओके, सो आता है 14.3.1, डिस्क्राइब करो ओम्स लॉ को और उसकी लिमिटेशंस बताओ. सो यू कैन सी दिस इज़ अ अंडरस्टैंडिंग SLO, अंडरस्टैंडिंग बेस SLO आपके पास. हम आज के इस लेक्चर में ट्राई करेंगे इस SLO को अच्छे से कवर करें. ओके, सो ओपन योर कॉपीज टू मेक नोट्स एंड लेट मी ओपन माई कॉपी. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. ओम्स लॉ क्या है? सो ओम्स लॉ जो है आपके पास is the relation okay between किस के बीच में, करंट एंड वोल्टेज. वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रिलेशन है, ओम्स लॉ ने वो बयान किया हुआ है. ओके, यहाँ ओम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने बयान किया. अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जब भी हम रिलेशन बनाते हैं ना, जैसे कि अभी मैं बता दूं यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे, सो हमारे पास रिलेशन कुछ इस तरह सा होता है कि अफेक्ट पहले लिखते हैं. अफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉज. ओके, बट जो कॉज है उसे हम लिखेंगे ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, और हम है ना अफेक्ट को लिखेंगे ऑन द लेफ्ट साइड. सही है, तो ये चीज़ बताने का मकसद इज दिस कि आपके बुक में जो ये रिलेशन बनाया हुआ है दैट इज़ उल्टा. उसने क्या किया हुआ है, कॉज को यहाँ पे लिखा हुआ है, अफेक्ट को वहाँ पे लिखा हुआ है. अब अफेक्ट है ना कॉज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कॉज अफेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना. सो ये गलती आपके बुक में की हुई जिसकी वजह से इक्वेशन में थोड़ी फेर पा रहे, लेकिन आंसर सही दिया हुआ है उन्होंने, इसकी तो दाद देनी चाहिए उन्हें. सो पहले तो मैं आपको ये करेक्ट रिलेशन बताऊँगा. ओके, तो करेक्ट रिलेशन ये है कि करंट क्या है, अफेक्ट है वोल्टेज का. वोल्टेज होगा तो ही करंट होगा ना, तो अफेक्ट जो है ना, मैं वापस ये लिख रहा हूँ, अफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोस के, और अफेक्ट आपका क्या है, करंट. तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, है ना. करंट अफेक्ट है वोल्टेज का कोस है, तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक इक्वल टू की साइन और एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट आपके पास है यहाँ पे जी, और वी को हम लिख लेंगे सेम. सो दिस इज़ योर करंट. ओके, और दिस इज़ योर कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस का सिंबल होता है, और दिस इज़ योर वोल्टेज का हो या पोटेंशियल डिफरेंस का हो. ओके, सो ये होता है आपके पास करेक्ट रिलेशन. ओके, अब इसे आगे लेके जाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि आपका जो है ना जी जो है वो होता है इनवर्स ऑफ आर के, और जो आर होता है वो होता है इनवर्स ऑफ जी के आपके पास. ओके, अब जहाँ पे जी लिखा हुआ है वहाँ पे 1/r लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी. ओके, और इसे और आगे लेके जाऊँ तो ये हो गया वी ओवर आर, और इसे और आगे लेके जाऊँ तो मेरे पास हो गया आई आर इज इक्वल टू वी. ओके, सो दिस इज़ द बेसिकली फॉर्मूला जो आपका बनता है अकॉर्डिंग टू करेक्ट रिलेशन. थोड़ा लेंथी भी हो रहा है लेकिन सिंपल चीज़ है. कंडक्टेंस जो है वो इन्वर्स होती है रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्स होती है कंडक्टेंस के. ओके, और दिस आर जो है ना यार, इट इज़ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है वो आपके नेक्स्ट SLO की डिमांड है, सो वी विल डिस्कस इट ओवर देयर. अभी के लिए बस समझ जाओ रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है, रुकावट होती है सिंपल,
ये होता है आपका करेक्ट रिलेशन। ओके, अब बुक वाला रिलेशन जो है वो है, बुक वाला रिलेशन जो उन्होंने गलती की हुई है वो मैं बताऊँ। बुक वालों ने क्या किया है, अफेक्ट की जगह पे करंट लिखा हुआ है और कॉज लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, कॉज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अफेक्ट के। ऐसा कभी होता ही नहीं है, मतलब जो वजह है वो असर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। हालांकि असर जो हो रहा है वो वजह के प्रोपोर्शनल होगा, मैंने उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बता दिया। सिंपल चीज़ है, उन्होंने क्या किया हुआ है, वी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा आर आई के, और ना वी वी लिखा प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाई के इक्वल टू लगाया, और ना आर लगा दिया एज ए कॉन्स्टेंट एंड आई को लिख लिया। सो दिस इज़ द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बुक। फॉर्मूला वही सेम है, आई आर इज इक्वल टू वी, यहाँ पे भी वी इज इक्वल टू आई आर कहो या आर आई कहो, बात सेम होती, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो ये बेसिकली दो रिलेशंस हैं ओम्स लॉ के। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बुक चलो या वैसे चलो, दोनों सही हैं। बुक वाला भी कंसिडर किया जाएगा अपने बोर्ड में, बिकॉज बुक में लिखा हुआ है, सो उसे गलत नहीं कर सकते। एंड ये वाला रिलेशन भी सही है, इसे भी गलत नहीं करेंगे, फाइन। अब बात आती है कि ओम्स लॉ अब बता क्या रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, आई आर के प्रोपोर्शनल है। सो सिंपल है, कहता है कि अगर मैं ना करंट को इंक्रीज करूँगा, सॉरी वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा, तो मेरा करंट भी इंक्रीज होगा। ओके, और मैं अगर वोल्टेज को डिक्रीज करूँगा तो मेरा करंट भी डिक्रीज होगा। यही एक रिलेशन बता रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का यही मतलब होता है। ओके, सो इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, सो कंडीशंस को डिस्कस कर लेते हैं, देन इसकी डेफिनेशन भी बना देते हैं। कंडीशन ये है कि इसकी फिजिकल स्टेट जो है ना, जो फिजिकल स्टेट आपके पास कंडक्टर की है वो है ना सेम रहनी चाहिए, रिमेंस सेम। ओके, एक ये होगी। दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर जो है वो भी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फाइन। सो ये आपके पास दो क्या कह सकते हैं कंडीशन है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, फिजिकल स्टेट रिमेंस सेम होना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन के साथ है ना आप लिमिटेशंस भी स्टडी कर रहे हैं कुछ लिहाज से। सो मैं ना आगे लिमिटेशंस भी बता के जा रहा हूँ। ये है कि ना ये काम करता है ओनली सॉलिड सब्सटेंसेस पे। ओके, जो कंडक्टर है वो सॉलिड होना चाहिए, कंडक्टर जो है वो सॉलिड होना चाहिए, फाइन। सो ये तीन कंडीशंस आ गई, आगे मैं लिमिटेशंस डिस्कस करूँगा तो उसमें आपको है ना और अच्छे से कंडीशन समझ में आ जाएंगी ये वाली। अब बात आती है डेफिनेशन, डिफाइन कैसे करें। सो ओम्स ने ना क्या किया, रिलेशन दिया। सो ओम्स लॉ इज द रिलेशन, ओके, किसके दरमियान है, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, इट स्टेट्स, ये लॉ कहता है कि दैट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ओके, प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट, ओके, ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स सेम। सो ओम्स लॉ एक रिलेशन है बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के दरमियान। इट स्टेट्स दैट करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज को इंक्रीज करोगे करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करोगे तो करंट भी डिक्रीज होगा, सिंपल। सो ये तो कंडीशन हमने बता दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन ये है कि फिजिकल स्टेट जो है वो जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की वो और टेम्परेचर जो वो सेम रहने चाहिए। अगर सेम है तो ओम्स लॉ काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, फाइन। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब बात आती है लिमिटेशंस की, लिमिटेशन से मुराद आपका ओम्स लॉ है कहाँ कहाँ पे काम करेगा और कहाँ कहाँ पे काम नहीं करेगा। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट। कि लिमिटेशन ये है कि ना ये सिर्फ ओमिक लॉ, सॉरी
ओम्स लॉ, इट इज ओम्स, ओके, ओम्स लॉ जो है इज वैलिड ओनली फॉर ओमिक मटेरियल या ओमिक सब्सटेंसेस. अब ओमिक सब्सटेंसेस कौन सी हैं? ओमिक सब्सटेंसेस वो होती हैं, ओमिक मटेरियल वो होता है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे. ओके, ओमिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनमें अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो करंट भी इंक्रीज होगा. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंसेस. ओके, तो ओमिक सब्सटेंसेस ही ओम्स लॉ को फॉलो करेंगी. दूसरी चीज़ जो ना ओम्स लॉ जो है, ये वाला लॉ इज नॉट वैलिड, इजंट वैलिड फॉर लिक्विड, ओके, गैसेस एंड सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर वो हैं कि ना कभी कंडक्ट करते हैं कभी नहीं करते. थर्ड आ जाता है कि ओम्स लॉ जो आपका है वो यूनिलेटरल सब्सटेंसेस में या डिवाइसेस में एप्लीकेबल नहीं होता. सो नॉट वैलिड फॉर यूनिलेटरल. यूनिलेटरल मतलब जिसमें ना करंट एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे. ओके, जैसे कि आपके पास है ना ट्रांजिस्टर्स हो गए और डायोड्स हो गए, ओके, वगैरह वगैरह. सो इसके हमने तीन लिखे हुए हैं कि ना आपके पास ओम्स लॉ वैलिड है ओनली फॉर ओमिक सब्सटेंसेस. ओम्स लॉ है ना वैलिड नहीं है लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए एंड सेमीकंडक्टर के लिए, मतलब सॉलिड वैलिड है, वैलिड फॉर सॉलिड्स ओनली. ओके, जो सॉलिड सब्सटेंस होगी उनके लिए ही वैलिड होगा. फाइन, और ये ना एप्लीकेबल नहीं है या वैलिड नहीं है यूनिलेटरल सब्सटेंसेस लाइक ट्रांजिस्टर हो गए, डायोड्स वगैरह हो गए. एक और चीज़, इसकी जो ये कंडीशंस हमने बताई, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, फिजिकल स्टेट भी सेम होनी चाहिए, और है ना इसकी रेजिस्टेंस जो है वो भी सेम होनी चाहिए. सो फिजिकल स्टेट ओके, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस शुड रिमेन सेम. सो ये कंडीशन भी है और है ना ये इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है. मतलब है ना जब फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर और रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट अनवैलिड हो जाएगा या नॉन वैलिड हो जाएगा. सही है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर हम ग्राफ बनाएं, ओके, सो मैं ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, ओम्स लॉ का ग्राफ जो है वो आपको हमेशा एक लीनियर लाइन देगा. सही है. सपोज दिस इज़ फॉर वोल्टेज एंड दिस इज़ फॉर करंट, ओके, एंड दिस इज़ पॉइंट ज़ीरो. सो ओम्स लॉ आपको हमेशा लीनियर रिलेशनशिप दिखाएगा ग्राफ में. ओके, सो विद दिस आपका ओम्स लॉ गेट्स कंप्लीटेड. आज की वीडियो होती ओवर. आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने ओम्स लॉ की बताई सब क्लियर होंगी आपको. इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर एसएलओस ऑफ 14.3, जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह को हम डिस्कस करेंगे. टिल दैट बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच अगर आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया है. बाय.